बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम करने लगे हैं जी बीपीपी की किट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की। ये जो आपका प्रीवियस नेम जिसका F5 था, ये फ्रेश किट है जी। इस वक्त जो सेशन की बीपीपी की चल रही है, ये सॉफ्ट कॉपी में अपलोडेड होगी। ये जून 2019 तक जो है ना वो वैलिड है। अदरवाइज ये कि जून 19 छोड़ के 2023 तक भी आपको वैलिड है ये। ठीक, लिटिल बिट न्यू क्वेश्चन आते रहते हैं, वो मैं कराता जाऊंगा। तो अभी ये कि इस किट को आप फॉलो करेंगे, मैं टोटल कंप्लीट किट का आपको कराने लगा हूँ। अगर आप इस क्वेश्चंस को, जो मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग है, टीचिंग है, उसके मुताबिक आप इसको फॉलो करते हैं, तो फिर बेटा किसी किस्म का जो है ना वो डाउट नहीं रहता कि एग्जाम क्लियर ना हो और अच्छे मार्क्स में क्लियर ना हो। आपको जो है वो डेफिनेटली मुझे फॉलो करना है। मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को हिट करता हूँ, मेथडोलॉजी। लेकिन क्वेश्चन का डाटा जरा ज्यादा हो तो रिक्वायरमेंट है, यानी कि ये ऑप्शन से ऊपर वाली लाइन पहले पढ़ते होते हैं, जहाँ पे ऑप्शन होते हैं। कहते हैं इन कैलकुलेटिंग द लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है कि उसकी लाइफ में, प्रोडक्ट अगर 2 साल चलती, 3 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, उसकी पूरी लाइफ की कास्ट और हर तरह की कास्ट, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, चाहे वो ऑपरेशन उसके सेल परचेज, मतलब इनकम भी होती है ना कि प्रॉफिट भी कैलकुलेट करा लेते, सेल भी हो सकती है। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, व्हाटएवर, किसी भी तरह की उसकी एनवायरमेंट कास्ट है, हर कास्ट को कंसिडर किया जाता है। विच ऑफ द अबव आइटम वुड बी इंक्लूडेड, इनमें से कौन सा इंक्लूड होगा। प्लानिंग एंड कंसेप्ट डिजाइन कास्ट, हर कास्ट इंक्लूड होनी है बेटा, हर कास्ट। टेस्टिंग कास्ट, प्रोडक्शन कास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट, यानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, हर कास्ट में जो है लाइफ साइकिल कास्ट में इंक्लूड होना है। तो ऑल ऑफ अबव ही इसका आंसर आएगा। फिर कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे माइट फाइनेंशियल रिटर्न बी इम्प्रूव्ड ओवर द लाइफ साइकिल कास्टिंग। रिटर्न कहते होते बेटा प्रॉफिट को नॉर्मली, के इम्प्रूव कैसे हो सकता है लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट की लाइफ में प्रॉफिट को ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मैक्सिमाइज द ब्रेक इवन टाइम, नहीं इम्प्रूव होगा बेटा ब्रेक इवन, अगर मैक्सिमाइज लिखा है ना, देर से आएगा ब्रेक इवन, तो फिर इसका मतलब कास्ट मीट करते ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर तो इम्प्रूव नहीं होगा। मिनिमाइज ब्रेक इवन टाइम अगर होता है ना, मिनिमाइज के जल्दी ब्रेक इवन होते तो फिर इम्प्रूव होगा फाइनेंशियल रिटर्न। मिनिमाइज द टाइम टू प्रोडक्ट, टू टाइम टू मार्केट, हाँ जितनी जल्दी आप प्रोडक्ट मार्केट में भेजोगे उतनी जल्दी रिटर्न आएगा। मिनिमाइज द लेंथ ऑफ द लाइफ साइकिल कास्ट, लाइफ साइकिल की कहते हैं लेंथ कम करो। नहीं बेटा, अगर लाइफ कम होगी किसी प्रोडक्ट की, देखो ना 2 ईयर की बजाय अगर 6 मंथ सेल होती है कम, तो मिनिमाइज हो गया ना, ऐसी सूरत में तो रिटर्न कम आएगा। मैक्सिमाइज हमने उसकी जो है ना लाइफ करनी होती, मिनिमाइज नहीं करनी होती। इसमें सिर्फ टू ये ऑप्शन आ गए। अगेन देखते हैं व्हाट इज द थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। यहाँ पे मेरा बेटा दो स्टेप लेने जरूरी होते हैं जब थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो है, एक रिटर्न पर आर, और ये आर वो होते हैं जो बॉटलनेक्स के होते हैं, जो कंस्ट्रेंट के होते हैं। और फिर इस रिटर्न पर आर में होता क्या है कि सेल में से मटेरियल, इसको थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कहते होते हैं, सेल पर यूनिट से मटेरियल पर यूनिट लेस कर देना, और जो आर बॉटलनेक है, यानी जिस डिपार्टमेंट के आर्स, लेबर आर्स हैं, या किसके, या मशीन आर्स हैं, जहाँ पे बॉटल नेक है वो कहेगा उस पे डिवाइड कर देना। ये अगर सेल मटेरियल पर यूनिट लेते हैं तो आर भी पर यूनिट लेने पड़ेंगे। फिर ये जो रिटर्न पर आर आपने कैलकुलेट किया होगा, रिटर्न पर आर आपने जो कैलकुलेट किया होगा, इसे आप फैक्ट्री कास्ट, इसे कन्वर्जन कास्ट भी कहते हैं, फैक्ट्री कास्ट पर आर पे आप इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो पर आर है तो ये भी पर आर होना जरूरी है। वो पर बॉटलनेक आर है,
और ये भी पर बॉटलनेक, जो चीज कंस्टेंट है उस पे एक फैक्ट्री कास्ट पर आवर। फैक्ट्री कास्ट का मतलब क्या कि अदर देन मटेरियल जैसे लेबर या ओवरहेड होते हैं, अदर देन मटेरियल जो कास्ट है जिसे कन्वर्जन कास्ट भी कहते हैं, कन्वर्जन कास्ट पर आवर लिख लो, फैक्ट्री कास्ट पर आवर लिख लो, तो ये TPAR होती है, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। ये क्वेश्चन करने बड़े आसान होते हैं। अब आप पहले अपना फार्मूला लिख लें ताकि आपको आसानी हो। वन ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी विच सेल फॉर 40, सेलिंग प्राइस 40 है, मटेरियल हैज ए मटेरियल कास्ट 10, 10 मटेरियल है, ए डायरेक्ट लेबर कास्ट 7 पर यूनिट है, द डायरेक्ट लेबर बजट फॉर द ईयर इज 50,000 आर, 50,000 टोटल आर होंगे साल के, और 12 पर आर उसका रेट होगा, फैक्ट्री ओवरहेड जो है ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड जैसे कहते हैं ना फैक्ट्री ओवरहेड, ये 2.92 मिलियन के है। द कंपनी इज कंसीडरिंग, अब डिपेंड करते हैं ना लेबर आर बॉटलनेक क्या, ब्लाइंडली प्ले नहीं करते होते, क्वेश्चन में देखते होते बॉटलनेक क्या है। द कंपनी इज कंसीडरिंग द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ सिस्टम ऑफ थ्रूपुट अकाउंटिंग, इट हैज आइडेंटिफाइड दैट मशीन टाइम इज बॉटलनेक। तो यहाँ पे फिर मशीन टाइम पे डिवाइड करेंगे पर यूनिट क्या, प्रोडक्ट एक्स नीड 0.01 आवर, अब 0.01 से 40 माइनस 10, 0.01 से करेंगे तो मेरा ख्याल ये 3000 आ जाएगा क्योंकि 30 आएगा ना 30.01 पे, फिर इस 3000 रिटर्न पर आवर को हम कन्वर्जन कास्ट यानी लेबर की कास्ट लेंगे और ओवरहेड की कास्ट लेंगे, लेबर और ओवरहेड। लेबर उसने कहा था 50,000 आ रहा है, 12 पर आ रहा है, इधर देखो ये पर यूनिट है, जब आ रहा है तो उसको पर यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आर आर से तो पर आर रेट से, कि 50,000 छोटी छोटी बातों की केयर करनी पड़ती होती 12, तो ये 600,000 आपकी बन गई, और ओवरहेड आपके कितने हैं 2.92 मिलियन, 2.92 मिलियन 3520। ये बॉटलनेक, ये फैक्ट्री कास्ट है। अब पर आर किन आर स्पेस को डिवाइड करना, जो बॉटलनेक है, क्योंकि मशीन आर बॉटलनेक है तो लेबर आर पे ना डिवाइड कर बैठना। द मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर मशीन इज 4000, ये 4000 की कैपेसिटी है। अब यहां पे ये कि ये 880 आई थिंक आता है, कैलकुलेशन एरर हो जाए तो बेटा माफ कर देना क्योंकि इस पे मेरी ऐसा तवज्जो भी नहीं होती, और वैसे भी समझाते हुए कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाती है। ये आया गालबन 3.41 के करीब इसकी रेशो आती है, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो। ए आंसर आपका जो है ना वो ठीक हो जाएगा। ठीक, अब इसके अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन मेड अबाउट मटेरियल फ्लो कास्ट अकाउंटिंग, मटेरियल फ्लो कास्ट अकाउंटिंग एनवायरमेंट कास्टिंग का मेथड है। द मटीरियल फ्लो कास्ट अकाउंटिंग वेस्ट इज ट्रीटेड एज नेगेटिव प्रोडक्ट, ओके, बिल्कुल ऐसे कि जो फिनिश गुड बन जाएगी वो पॉजिटिव प्रोडक्ट है, जो वेस्ट हो जाएगी वो नेगेटिव प्रोडक्ट है। हमारी ट्राई होती है कि नेगेटिव प्रोडक्ट काम करे, यानी वेस्ट काम करे ताकि पॉजिटिव प्रोडक्ट ज्यादा बने। मटीरियल फ्लो कास्ट अकाउंटिंग शुड इनकरेज मैनेजमेंट टू फोकस ऑन वे ऑफ अचीविंग द सेम अमाउंट ऑफ फिनिश आउटपुट विद लेस मटेरियल, ओके बेटा, कि कम मटेरियल से सेम आउटपुट बने, तो इसका मतलब मटेरियल की वेस्टेज कम हो, वेस्टेज कम हो तो इसका मतलब नेगेटिव प्रोडक्ट आपकी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नेगेटिव प्रोडक्ट को कम करने के लिए किया, तो हो रहे
नहीं हाँ जी, ये नेट को कोई इशू हो गया था। दोबारा देखते हैं, मटेरियल फ्लो में हम नेगेटिव प्रोडक्ट कम करना चाहते हैं। नेगेटिव का मतलब वेस्टेज कम करना चाहते हैं ताकि पॉजिटिव प्रोडक्ट बने। मटेरियल फ्लो कास्ट अकाउंटिंग शुड एनकरेज मैनेजमेंट टू फोकस ऑन द वे टू अचीविंग द सेम अमाउंट ऑफ फिनिश गुड आउटपुट विद लेस मटेरियल इनपुट। कि मटेरियल इनपुट कम हो तो यानी नेगेटिव प्रोडक्ट कम हो, मटेरियल इनपुट कम होगी तो वेस्टेज कम होगी, वेस्टेज कम है तो इसका मतलब नेगेटिव प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये दोनों बातें ठीक है। फिर कहते हैं विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग इज ट्रू। कई मरतबा कह देते हो तो नॉट ट्रू, तो ये बातें ख्याल रखा करें। द कास्ट ड्राइवर फॉर क्वालिटी इंस्पेक्शन इज बैच साइज। ये बात गलत है क्योंकि एक बैच में मे बी पॉसिबल एक मरतबा क्वालिटी इंस्पेक्ट करनी पड़ती है, किसी बैच में 2 टाइम करनी पड़ती, 5 टाइम करनी पड़ती, तो उसका बैच के साइज से कोई तल्लक नहीं होता। द कास्ट ड्राइवर फॉर मटीरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच कास्ट इज लाइकली टू द नंबर ऑफ ऑर्डर हैंडल। बिल्कुल, मटीरियल हैंडलिंग है तो हैंडल कास्ट से उसका ड्राइवर होगा। इन द शॉर्ट रन ऑल द ओवरहेड कास्ट फॉर एक्टिविटी वेरी विद द अमाउंट ऑफ कास्ट ड्राइवर फॉर द एक्टिविटी। इन द शॉर्ट शॉर्ट रन ऑल द ओवरहेड फॉर एन एक्टिविटी वेरी विद द अमाउंट ऑफ कास्ट ड्राइवर फॉर द एक्टिविटी। ये इन द शॉर्ट रन जरूरी नहीं होता, क्योंकि इसमें इन शॉर्ट रन भी होता है, लॉन्ग रन भी होता है, क्योंकि ये कहते हैं शॉर्ट रन वेरिएबल कास्ट होती है और लॉन्ग रन वेरिएबल कास्ट होती है, यानी फिक्स कास्ट का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। कुछ शॉर्ट रन पे होती, कुछ लॉन्ग रन पे होती। एक कास्ट ड्राइवर इज एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग। नहीं बेटा, एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में कास्ट ड्राइवर यूज होता है, कास्ट ड्राइवर को एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग नहीं कहते हैं, क्योंकि कास्ट पूल की कास्ट को कास्ट ड्राइवर पे डिवाइड किया जाता है, कास्ट ड्राइवर को एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग नहीं आप कह सकते। फिर यहाँ पे ये इसका सिर्फ टू होगा, इज इट ट्रू। व्हाट इज एक्सपेक्टेड एवरेज लाइफ साइकिल कास्ट पर यूनिट। पूरी लाइफ की एवरेज क्या है, तो यहाँ पे बेटा याद रखना कि टोटल लाइफ की कास्ट को आपने इकट्ठा करके टोटल लाइफ के यूनिट पे डिवाइड कर दे, क्योंकि एवरेज कास्ट का मतलब कास्ट पर यूनिट का मतलब, एवरेज का भी मतलब कास्ट पर यूनिट होता है, वैसे एवरेज कास्ट भी होता है, भी पर यूनिट होता है, कास्ट पर यूनिट टोटल लाइफ की। अब टोटल लाइफ की कास्ट देखेंगे, ये यूनिट है सबसे ऊपर, तो इनको परे कर दें। अब ये जो कास्टें हैं 859 90,000, अब जी मैं कैलकुलेट तो नहीं करूंगा, वैसे बता देता हूँ 850 और 90,000 940,000 हो गया। फिर आपकी प्रोडक्शन कास्ट वेरिएबल है 30, सेलिंग वेरिएबल है 6, ये वेरिएबल कास्ट है। वेरिएबल कास्ट ने पर यूनिट से मल्टीप्लाई होना होता है, जिस तरह ये 36 और 4 है, 30 है, 6 है और 4 है, तो ये टोटल बन गई 40। 40 बन गई तो इस साल के यूनिट कितने, 25,000। 25,000 से इसे मल्टीप्लाई कर लेना। अगले नेक्स्ट की कास्ट कितनी है, 25,500, 30 and 3, 33, 25,500 and 3, 33, और नेक्स्ट ईयर की यूनिट कितनी है, 100,000, 100,000 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट ईयर की कास्ट क्या है, 24 and 2, 24 + 2, 26 बन गई, और उसके यूनिट कितने, 75,000 टोटल कास्ट पर यूनिट। और बाकी फिर फिक्स कास्टें रह जाती है, इसकी 500,000 है और
7,000 है, 507,000 पहले साल की, 1,200,000 बन गई, फिर 500 एंड 500 1,000,000 बन गई, फिर 503 800,000 बन गई कास्ट। ये सारी कास्ट वेरिएबल है, फिक्स है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट टोटल इसका करके टोटल नंबर ऑफ यूनिट, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, 25,000, 100,000 और 75,000, तो ये टोटल यूनिट बने 200,000। तो कास्ट पर यूनिट आ जाएगी आपकी, एवरेज कास्ट जिसे आप कहते हैं, एवरेज कास्ट कहते हैं या कास्ट पर यूनिट कहते हैं, कुछ भी कह लो, फूल को जिस नाम से भी पुकारो खुशबू में फर्क है नहीं आता, ये शेक्सपियर ने कहा था, मैंने नहीं कहा। वो कहते जी विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इज एक भी हो सकती दोनों भी हो सकती। वो कहता फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन मेड अबाउट थ्रूपुट अकाउंटिंग, इन्वेंट्री हैज नो वैल्यू। ये बात गलत है, थ्रूपुट जिट एनवायरमेंट में इस्तेमाल होती है कि इन्वेंट्री की क्वांटिटी ना हो, जिट में मतलब होता है जीरो क्वांटिटी या लो क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री हो, लेकिन ये कहता वैल्यू कोई नहीं हो, भाई इन्वेंट्री